दोस्तों वेलकम टू टेक ज्ञान। मैं आपको आज बताऊंगा कि 2 मिनट के अंदर आप पैन कार्ड कैसे बनाएं आधार कार्ड की सहायता से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टेंट पैन कार्ड आप आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ई फिलिंग। फिलिंग करने के बाद सर्च कर दे। सर्च करने के बाद पहला जो लिंक खुलेगा ये फिलिंग होम पेज, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे कैंसिल करें। उसके बाद इंस्टेंट पैन आधार पे जाएं। जाने के बाद नीचे आओ। नीचे आने के बाद गेट पैन पे जाना है। पैन पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको आधार नंबर जो अलाट हुआ है वो भर फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर दो। उसके बाद आप आई कन्फर्म डेट पे करने के बाद आगे बढ़ना है। इसमें आपको आधार पिन बनाने के लिए सिर्फ 5 स्टेप को फॉलो करना। पहले तो आप अपना आधार नंबर का डिटेल एंटर करें। एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP आएगा, उस पर करना है। उसके बाद वैलिडेट आधार आएगा, उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद वैलिडेट ईमेल ID आएगा, वो भी ऑप्शनल, आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आएगा लास्ट में आप गेट पेन वहाँ पर जाने के बाद आपको पेन मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको आधार नंबर जो आपका अलाट हुआ है वो फिल करने के बाद हमको क्या करना है, कैप्चा कोड है उसे फिल करना है। करें करने के बाद आई कंफर्म डेट पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है आपको। जनरेट आधार OTP क्लिक करना है, जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये PDF लिंक में जनरेट हो गया है। आप यहाँ पे 10 मिनट के बाद इसे आएगा आपके, दोबारा आकर डाउनलोड कर सकते हो। 6 डिजिट का वो आप यहाँ पे इंटर करना जो आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड होगा, उस पर OTP आएगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना, एक गिरी के बाद वैलिडेट OTP आधार। उसके बाद आपका क्या होगा, ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका आधार का पूरा डिटेल खुल जाएगा। जितना भी आपके आधार पे जो जो डिटेल है वो सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आई एक्सेप्ट डेट पे क्लिक करना है, सब आधार डिटेल सही हो। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे टिक करना है। उसके बाद आप देख लग सकते हो आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया है। आप आधार यूज करके अपना पेन का स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा पेन अलॉटमेंट रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग चेक स्टेटस। इस पर आपको वहाँ पे जाना है, सिंपल उस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको खुलेगा कि आप अपना आधार नंबर एंटर करो, जो भी आपका आधार नंबर है। एंटर करने के बाद आपका नंबर इंटर हो जाने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल होने के बाद आपको सीधे सबमिट पर ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा।